मौसम विभाग ने ताऊते तूफान के राज्य में 18 मई को आने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने 18 मई को इस तूफान के चलते उदयपुर जोधपुर में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के चलने के साथ साथ बारिश की संभावना भी जताई है। वहीं 19 मई को जयपुर अजमेर भरतपुर में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की भी चेतावनी दी गई है। सागर की खाड़ी में वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म और तीव्र होकर एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में बन चुका है। इस सिस्टम के आज शाम को गुजरात तट से टकराने की संभावना है। टकराने के पश्चात यह सिस्टम लगभग नॉर्थ डायरेक्शन में आगे बढ़कर साउथ वेस्ट राजस्थान से कल यानी मंगलवार रात्रि के समय राजस्थान में एज ए डिप्रेशन के रूप में प्रवेश करेगा। इस दौरान इस सिस्टम का सर्वाधिक असर 18 और 19 मई को राजस्थान में देखने को मिलेगा। विशेष रूप से 18 मई यानी मंगलवार को साउथ राजस्थान के उदयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ एक जिलों में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। उदयपुर संभाग और आसपास के जिलों में एक दो स्थानों पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल यानी कि कुल जो टोटल रेनफॉल है वो 200 mm से भी ज़्यादा बरसात यहाँ पर दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा भारी बारिश के साथ सीवियर थंडर स्क्वाल यानी थंडर एक्टिविटी भी होने की संभावना है। इस दौरान हवा की गति भी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक की साउथ राजस्थान में दर्ज की जा सकती है।